बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ कहकशां और आज मैं आपको हैंड सैनिटाइज़र घर में बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हर कोई आजकल सैनिटाइज़र यूज़ कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस है ही इतना ख़तरनाक। आप अगर हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक तरह से सेव कर सकते हैं। और मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है ये हैंड सैनिटाइज़र, तो आज मैं आपको हैंड सैनिटाइज़र घर में बनाना सिखाऊंगी कि आप किस तरह से बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए, बहुत मामूली चीज़ें यूज़ करते हुए कैसे अपना हैंड सैनिटाइज़र घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सैनिटाइज़र बनाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। और साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए, साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आए हम हैंड सैनिटाइज़र बनाना सिखाते हैं आपको। हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए आपको चाहिए रोज़ वाटर, अर्के गुलाब, एलोवेरा जेल जो कि आपको इजीली मिल जाएगा, डेटॉल जो कि एंटीसेप्टिक लिक्विड है और ये जर्म्स किलर भी है, जर्म्स को मार देता है, परफ्यूम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल होता है और अल्कोहल भी जर्म्स को मारने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो आप कोई सा भी अच्छा सा अच्छे ब्रांड का परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। और ग्लिसरीन हमारे जो कि हमारे हैंड्स को मॉइस्चराइज कर देगा। अगर आप परफ्यूम यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, या फिर स्प्रिट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले रोज़ वाटर 1 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। हम इसके बाद हम एलोवेरा जेल 1 टेबलस्पून इसका यूज़ ले लेंगे हम। अब देख सकते हैं, अक्सर घरों में एलोवेरा जेल लगा होता है। अगर आप मार्केट का बना हुआ एलोवेरा जेल यूज़ ना करना चाहें तो अपने घर से फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डाल लेंगे डेटॉल। आपने एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर और डेटॉल इनकी सेम क्वांटिटी लेनी है। डेटॉल वैसे भी जर्म्स किलर है, जर्म्स को मारता है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। डेटॉल लाजमी ऐड कीजिएगा। मैंने नेट पे और भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो उनमें डेटॉल का ज़्यादा यूज़ नहीं है सैनिटाइज़र बनाने में। आप डेटॉल तो लाजमी यूज़ करें इसके अंदर, क्योंकि डेटॉल वैसे भी एंटीसेप्टिक है और इससे जर्म्स मरते हैं, तो ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा। और इसके अंदर हम परफ्यूम ऐड कर देंगे। परफ्यूम के आप ऐसे ही 5 से 6 स्प्रे कर दीजिएगा इसके अंदर। इसके अंदर हमने 6 से 7 स्प्रे कर दिए परफ्यूम के अपने। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ग्लिसरीन।
ग्लैसरीन आप ये वाला स्पून जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये हाफ टेबल स्पून या आप वन टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, वन टेबल स्पून ही ऐड कर लीजिएगा। अब आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपके पास कोई भी खाली बॉटल हो तो इसके अंदर डाल के आपने इसको रख लीजिएगा और अपने हैंड्स पे हैंड वॉश करने के बाद हर घंटे बाद हैंड्स पे अप्लाई कीजिए। इसको अब हम इसकी मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर लिवॉन हेयर सीरम की खाली बॉटल है, मैं इस सैनिटाइज़र को इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी, के अंदर शिफ्ट कर देंगे किसी भी कीप की मदद से और फिर उसको अच्छे से शेक कर लेंगे इसके अंदर। अब हमने इसको सैनिटाइज़र को अपने शिफ्ट कर लिया है, इसके अंदर अभी एलोवेरा जेल जो है उसके पीसेस वैसे ही दिख रहे हैं। इसको हम इस तरह से हिला के अच्छे से शेक करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शेक करने से हमारा एलोवेरा जेल और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हैंड सैनिटाइज़र रेडी है। आप इसके दो से तीन ड्रॉप्स अपने हाथों पे लेके अच्छे से अपने हाथों पे मसाज कर लीजिएगा। अच्छे से अब्सॉर्ब कर लीजिएगा अपने स्किन में। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे होममेड हैंड सैनिटाइज़र रेडी हो चुका है। आप अपने हैंड्स को किसी भी अच्छे से सोप, सेफगार्ड या डिटॉल की मदद से वॉश करके 30 सेकंड के लिए आप वॉश कर लीजिएगा तो उससे भी जर्म्स हमारे काफ़ी हद तक किल हो जाते हैं। तो उसके बाद आप ये हैंड सैनिटाइज़र अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सैनिटाइज़र है और ये जो हमने परफ्यूम इसके अंदर ऐड किया है इसकी वजह से इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। तो जी फ्रेंड्स आज मैंने आपको हैंड सैनिटाइज़र की बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी बनाना सिखाई है जो कि बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स की मदद से आप घर में बना सकते हैं अपने, और आपको बाज़ार से मार्केट से एक्सपेंसिव हैंड सैनिटाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर डेटॉल डाल दिया है हमने, एलोवेरा डाला है, रोज़ वाटर डाला है हमने, परफ्यूम अल्कोहल थोड़ा सा ऐड किया है और ग्लैसरीन ऐड किया है। आप ये हैंड सैनिटाइज़र अपने घर में बनाएं और ख़ुद भी यूज़ करें, अपने बच्चों को, अपने तमाम घर के मेम्बर्स को यूज़ करने को कहें और अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने रिलेटिव्स के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कीजिए लाजमी, ताकि वो भी ये सैनिटाइज़र घर में बनाकर और ख़ुद को, अपने बच्चों को सेफ रख सकें। अल्लाह ताला हम सभी को कोरोना वायरस से अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, तमाम उम्मत मुसलमा को, तमाम दुनिया के लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। फ्रेंड्स आप भी हर नमाज के बाद सभी के लिए लाजमी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सभी पर अपनी रहमत व बरकतें नाजिल फरमाएँ, सभी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और ये सैनिटाइज़र लाजमी यूज़ करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए और शेयर तो लाजमी कीजिए ताकि आपका भी फ़ायदा हो और दूसरों का भी फ़ायदा हो। सदका जारिया समझ कर लाजमी अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।